क्लास फाइव टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस चैप्टर एक्सरसाइज 4.3 27820 बाय विनोद सर। पहला सवाल, एड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिड्यूस द सम टू द लोएस्ट टर्म। ए 41/53 एंड 15/53। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, 53 दोनों में है, इसलिए सीधे हमको जोड़ देना है। तो 41 का 41, 15 का 15 और 53 इसका डिनोमिनेटर है, वो नीचे लिख दिए हैं। 41 में 15 जोड़े, 56 आया, 56/53 बराबर 1/3/53 आंसर। और ए के बाद एफ सवाल, 12/18 एंड 9/24। 12/18 प्लस 9/24, 18 और 24 का एलसीएम करेंगे, चूँकि डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग है तो एलसीएम करना पड़ेगा। यहाँ एलसीएम किए हैं, 2 से 18 को भाग दिए 9 बार में, 24 को भाग दिए 12 बार में, फिर 3 से भाग दिए 9 को 3 बार में, 12 को 4 बार में। इस प्रकार एलसीएम हो गया 2 × 3 × 3 × 4 बराबर 72। अब 72 हो गया एलसीएम, तो 18 से 72 को डिवाइड किए 4 बार, 4 से 12 को मल्टीप्लाई किए 48, 48 आया, और 24 से 3 बार में, 3 नमय 27, तो 27 आया। 48 में 27 जोड़ दिए 75/72, 3 से ऊपर नीचे काटे हैं तो 25/24, 1/1/24। अब दूसरा सवाल, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिड्यूस द डिफरेंस टू द लोएस्ट टर्म। घटाना है और घटाने के बाद रिड्यूस भी करना है। बी सवाल, 74/123 फ्रॉम 97/123। तो 97/123 में से 74/123 को घटाना है। यहाँ चूँकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 123 इसका हुआ डिनोमिनेटर, और ऊपर में है 97 एक में और एक में है 74, तो 97-74 बराबर 23/123। सी सवाल, 7/15 फ्रॉम 13/20। तो 13/20 − 7/15, 20 और 15 का एलसीएम करेंगे, तो 5 से कटा 3 बार में और 5 से कटा 4 बार में। इस प्रकार एलसीएम हो गया 5 × 3 × 4 बराबर 60। 60 एलसीएम हो गया, 20 से डिवाइड किए 3 आया, 3 से 13 को मल्टीप्लाई किए 39 आया, और 15 से 60 को डिवाइड किए 4 आया, 4 से 7 को मल्टीप्लाई किए 28 आया, 39 − 28 11/60। एडिशन, अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस, इसमें है एक्सरसाइज 4.4, फाइंड द फॉलोइंग सम्स एंड रिड्यूस देम। सम भी करना है, रिड्यूस भी करना है। 5/8 + 3, 5/8 + 3/1, 5/8 सेम डिनोमिनेटर करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/8 + 24/8, 8 हो गया यहाँ सेम डिनोमिनेटर, तो 5 + 24 29/8, मिक्स्ड फ्रैक्शन में 3/5/8। एच में 8 + 6/7, तो 8/1 + 6/7, सेम डिनोमिनेटर करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 × 7/1 × 7 + 6/7, 56/7 + 6/7, 7 डिनोमिनेटर हो गया यहाँ भी, ऊपर माप है 56 + 6, 62/7, 8/6/7। दूसरा, फाइंड द फॉलोइंग डिफरेंसेस, 9/1 − 3/5, 5 है इसका एलसीएम, तो 45 − 3, 42/5, 8/2/5। बी में 5 − 6/7, 5/1 − 6/7, 7 इसका डिनोमिनेटर एक में है, तो 7 डिनोमिनेटर करने के लिए 7 से 5 को मल्टीप्लाई किए तो 35, और 1 को मल्टीप्लाई किए तो 7, 35 − 6/7, 29/7, 4/1/7। एच में 8 − 6/11, 11 डिनोमिनेटर है,
11 डिनोमिनेटर करने के लिए 8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे या बाई 11 दे देंगे, माइनस 6 बाई 11, 88 बाई 11, माइनस 6 बाई 11, सेम डिनोमिनेटर हो गया तो 11 हो गया यहाँ, और 88 माइनस 6, 88 माइनस 6, 82 बाई 11, 7 अपॉन 5 बाई 11। अब इससे आगे अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।